है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं फैशन एंड डेकोर आइडियाज़। तो आज हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी पे किस तरीके का डेकोरेशन किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 अगस्त बुधवार को गणेश जी की स्थापना होगी। स्थापना करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि गणेश चतुर्थी स्थापित करने से पहले हम लोगों को किस तरह का डेकोरेशन करना चाहिए। जैसा कि यह त्यौहार जो बहुत बड़ा महोत्सव है, सभी लोग मनाना पसंद करते हैं। गणेश चतुर्थी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाई जाती है और सभी लोगों के मन में रहता है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग किस तरीके की तैयारी करें, किस तरीके से भगवान जी की स्थापना रहे, क्या क्या डेकोरेशन करें, उनके बैकग्राउंड में क्या क्या डिज़ाइन किया गया, किस तरह का डेकोरेशन किया जाए तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो आज इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो गणेश चतुर्थी के लिए जो गणेश स्थापित जो करते हैं हम लोग, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी ही सुंदर लगता है। जो आपको मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ, जो डेकोरेशन किस तरीके के होते हैं, जिसके कई बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ डेकोरेशन किस किस चीज़ से किए जा सकते हैं। चाहे वो खाली बॉक्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के जो कलरफुल पेपर आते हैं उससे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के फ्लावर्स जो आते हैं, या फिर आप दुर्वा के या कापूस के, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसे हम डेकोरेशन कर सकते हैं और अच्छा सा टेंपल भगवान जी के लिए हम बना सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं केले के पत्ते से, नारियल से, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में। अगर हम घर पे नहीं बना सकते पर कम पैसा अगर आप खर्च करना चाहते हैं कि कम पैसे में बहुत अच्छा डेकोरेशन हो जाए, तो घर में आर्टिफिशियल फ्लावर बना सकते हैं पेपर के या ला के, या फिर कुछ भी आपको आर्ट आता है। अगर नहीं आता है तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती है, जिससे आप अपने मंदिर को, पूजा घर को, या भगवान जी स्थापित करें उनका डेकोरेशन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के एंड में आपको वैसे बहुत सारे आइटम्स दिखाऊंगी जिससे आप अपना घर के साथ साथ में गणेश जी की डेकोरेशन भी कर सकते हैं और मंदिर को भी अच्छा सा सजा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ आइडियाज़ मिलेंगे और चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि हमने बहुत सारे पांडाल देखे हैं बड़े बड़े, बहुत सारी चीज़ें से डेकोरेशन किया जाता है, पर हम जब घर में गणेश जी बिठाते हैं उसमें हमें कम चीज़ों में भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिले, आइडियाज़ मिले और एक अच्छा सा मोटिवेट दीजिए मुझे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कप के, पिकॉक या फिर कलरफुल पेपर के, जिस तरह के चक्र या लटकन हैं आप देख सकते हैं, इस छोटे लटकन, बड़े लटकन जो रेशम के धागों से या फिर ऊन के बने हुए होते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर। ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, लंबे लंबे लटकन, पेपर के फ्लावर, मोतियों के फ्लावर्स, मोतियों के लटकन आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को फुल एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए टेक केयर।